आज की वीडियो में हम देखेंगे मिंत्रा के 5 बहुत ही अच्छे अच्छे जीन्स, क्योंकि काफी दिन हो गए थे जीन्स पे वीडियो बनाए। वैसे जितने भी जीन्स है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी और स्टाइलिश होने वाले हैं, उन्हें देखने के लिए एंड तक बने रहना। फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट जीन्स है, जो की है ये व्हाइट कलर का जीन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिड राइज वाला बूट कट जीन्स है, जिसके वेस्ट में यहाँ पे आपको क्लोजर के लिए एक बटन मिल जाती है, जिसके ऊपर में यहाँ पे फ्री हैंड की आपको ब्रांडिंग दिख जाएगी। सिल्वर कलर की बटन है, वही नीचे में यहाँ पे गोल्डन कलर की जिप अटैच कर दी गई है। वैसे पता नहीं है क्या कलर कॉम्बिनेशन है। वहीं इनर साइड में यहाँ पे आपको फ्री हैंड की ब्रांडिंग दिख जाएगी एंड मेरा साइज है इसमें 32। वेस्ट में आपको बेल्ट लूप्स मिल जाते हैं, वहीं बैक साइड में यहाँ पे एक पैच के थ्रू इसकी ब्रांडिंग की गई है। साथ ही फ्रंट साइड में आपको डिसेंट डेप्थ वाले पॉकेट्स मिल जाते हैं दोनों साइड में, एंड राइट वाले साइड में एक स्मॉल पॉकेट भी यहाँ पे मिल रहा है। बैक साइड में भी 2 स्क्वायर पॉकेट्स अटैच किए गए। बाकी ओवरऑल जीन्स में कोई उतनी ज्यादा डिजाइनिंग वगैरह नहीं है। लोअर पार्ट में आप आओगे तो इसका जो नी वाला पार्ट है ना, वही सबसे मेन हाईलाइट है, क्योंकि यहाँ पे आप ये देख सकते हो इसका डिस्ट्रेस वाला पार्ट, जो कि इस जीन्स को ना बहुत ही स्टाइलिश एंड ट्रेंडी सा लुक देता है। स्लैश नी आपको दोनों साइड में मिल जाता है। काफी अच्छी से यहाँ पे डिस्ट्रेस वाली पैटर्न क्रिएट की गई है, जैसे कि इसका दूसरा वाला ही साइड आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका स्किन ज्यादा विजिबल होगा, क्योंकि ये बूट कट वाला जीन्स है तो ऑब्वियसली लूज लूज टाइप का आपको लगेगा। लेंथ भी इसकी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, मैंने इसमें शूज पहना है एंड ये बहुत ही अच्छे से उसे कवर कर रही थी। वैसे मेरी हाइट है 5'3" 5'4" के राउंड में। ये चीज मैं बता दूं कि जीन्स नॉन स्ट्रेचेबल है, बट लूज लूज होने की वजह से आपको कोई इशू नहीं आने वाली, एकदम कंफर्टेबली आप इसे पहन सकते हो। एंड व्हाइट एंड ब्लैक के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप बहुत ही तरीके से इसे स्टाइल कर सकते हो। क्वालिटी एंड जो प्रोडक्ट है वो आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा है। साथ ही प्राइस वाइज ये वाले जो जीन्स है आपको 700 के राउंड में मिल जाएगी, जो की ना कोई बिलीव भी नहीं कर सकता। जरूर चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। और हमारे जो नेक्स्ट वाले जीन्स है वो आता है ससफराज ब्रांड की तरफ से। एंड देखो, जीन्स की वीडियो एंड उसमें ये ब्रांड ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वाले जो जीन्स है वो लाइट फेडेड ब्लू कलर में आई है। वही क्लोजर के लिए यहाँ पे भी एक बटन मिल जाएगा, साथ ही जिप भी अटैच्ड है। एंड यहाँ पे अच्छी चीज ये लगी ना कि दोनों का कलर सेम रखा गया है। सामने में जो पॉकेट्स हैं उनकी भी डेप्थ यहाँ पे आपको अच्छी ही मिल रही है। वहीं राइट साइड में एक स्मॉल पॉकेट भी यहाँ पे मिल जाएगा। पूरे वेस्ट में आपको बेल्ट लूप्स मिल जाएगा। वहीं बैक साइड आप देखोगे तो एक लेदर पैच आपको दिख जाएगा ब्राउन कलर का, जिसके ऊपर में ससफराज की ब्रांडिंग है। बैक साइड में भी यहाँ पे 2 पॉकेट्स आपको मिल रहे हैं, इसके ऊपर में विजिबल स्टिच तो किए गए हैं, बट जो थ्रेड के कलर है ना वो बहुत ही अच्छे रखे गए, क्योंकि इसके वजह से थोड़ा इसमें विंटेज वाला लुक ऐड हो जाता है। स्ट्रेट फिट वाला ये जीन्स एंड फिटिंग इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी मुझे। बट ये जीन्स ऐसा नहीं है कि एकदम प्लेन सिंपल सा है, इसका मेन हाईलाइट ना इसका बॉटम वाला पार्ट है। 2 बॉक्सी पॉकेट अटैच करके इस जीन्स को ना बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी एंड काफी यूनिक बना दिया गया है। साथ ही इसके एंड पार्ट में यहाँ पे ये डिस्ट्रेस वाली पार्ट भी आप देख सकते हो, एंड जो पॉकेट्स है वो बहुत ही ज्यादा बड़े है। सामने वाले पॉकेट में एक फ्लैप मिल जाएगा, बट साइड वाले पॉकेट में कुछ भी वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी डेप्थ बहुत ही अच्छी है। वैसे भी हम यहाँ पे कुछ रखने नहीं वाले, ये सिर्फ स्टाइल का ही पार्ट है एंड देखने में जो लुक आता है ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए तो मैंने इसे यहाँ पे सिलेक्ट किया। बट इसकी जो फैब्रिक भी है ना वो इतनी ज्यादा कंफर्टेबल लगी मुझे, ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई लेगिंग्स या जेगिंग्स वगैरह पहन रखा हो, क्योंकि इसमें 96% कॉटन एंड 4% स्पेंडेक्स है। इसी वजह से इसमें आपको स्ट्रेचनेस भी महसूस होगी। ओवरऑल लुक आप इसकी देख सकते हो, एक ट्रेंडी स्टाइलिश येट कंफर्टेबल जीन्स अगर आप चाह रहे हो तो इसके लिए जरूर जा सकते हो। गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि हम अब टेलीग्राम पे भी आ चुके हैं, और अभी के आने वाले सेल में हम वहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स एंड डील शेयर करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप हमें वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप कोई भी ऑफर्स या फिर डील्स मिस आउट ना करो। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ जल्दी से हमें वहाँ पे फॉलो कर लो। अब हम चलते अपने वीडियो के तरफ। और गाइस, नेक्स्ट है कार्गो जीन्स, जिसमें कि मैंने नेवी ब्लू कलर चूज किया है। ये वाली भी जीन्स आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। सबसे अच्छा एंड हाईलाइटिंग पार्ट है इसका विजिबल स्टिच। वैसे ये वाली जो जीन्स है वो केमिस्ट्री ब्रांड की तरफ से आ रही है, एंड इसकी जो फ्रंट क्लोजर की बटन है उसके ऊपर में भी आपको इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी। साइज मेरा है इसमें 32। पूरे वेस्ट में यहाँ पे बेल्ट लूप अटैच किए गए हैं, एंड बैक साइड में भी यहाँ पे पॉकेट्स आपको मिल रहे हैं। बैक के मिडिल वाले पार्ट में भी यहाँ पे स्टिचिंग्स आपको मिल जाते हैं। ये सेम डिटेलिंग आपको पैंट के फ्रंट साइड में भी देखने को मिल जाएगा, एंड इसके जो फ्रंट पॉकेट्स है वो ऐसे साइड कट में है। पॉकेट की जो डेप्थ है वो आपको काफी अच्छी मिल रही है। वैसे ये एक हाई राइज वाली जीन्स है, जो की वाइड लेग के साथ आई है, जिस वजह से आपको एकदम कम्फर्टेबल एंड लूज लूज सा ये फिट देती है। क्योंकि कार्गो जीन्स है तो आपको नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे बॉक्सी पॉकेट्स मिल जाएंगे, जिसके ऊपर में यहाँ पे फ्लैप अटैच है। मटेरियल इसमें यूज हुआ 84% कॉटन, 15% पॉलिएस्टर, 1% इलास्टिन, इसी की वजह से उतनी ज्यादा आपको स्ट्रेचनेस नहीं दिख रही होगी। लेंथ भी जो इस जीन्स की है ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मेरा जो शूज था वो बहुत ही अच्छे से कवर हो जा रहा था, बट उसके बाद भी ये जीन्स नीचे तक आ रही थी। मेरी हाइट अगेन मैं बता दूं कि 5'3" 5'4" के अराउंड में है, एंड ऐसे जीन्स के साथ
साथ आप चाहो तो क्रॉप टॉप बड़े ही आराम से स्टाइल कर सकते हो, काफी ट्रेंडी एंड स्टाइलिश येट कंफर्टेबल भी रखने वाला है आपको। और प्राइस तो उससे भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये वाली जो जीन्स है मुझे सिर्फ 750 के अराउंड में मिल गई एंड अभी भी इसकी प्राइसिंग सेम है। और गाइस हमारा जो नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट है ये भी अगेन सरफराज ब्रांड की तरफ से है। इनकी कलेक्शन इतनी ज्यादा अच्छी होती है, साथ ही जो प्राइस रेंज भी होते हैं वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे ऑडियंस इन्हें खरीद पाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैंने कलर चूज किया है ब्लू, हल्की सी व्हाइट वॉश देखने को मिल जाएगी पूरे जीन्स में, ऐसा नहीं है कि कुछ एक पर्टिकुलर एरिया लेके वहां पे व्हाइट वॉश किया गया हो। वैसे फ्रंट साइड में यहाँ पे भी अगेन आपको बटन मिल जाता है जिसके ऊपर में सरफराज की ब्रांडिंग की गई है एंड यहाँ पे आपको एक जिपर भी मिलता है। वहीं वेस्ट में आपको बेल्ट लूप्स मिल रहे हैं, साथ ही इसका जो बैक वेस्ट है इसमें इलास्टिक अटैच की गई है, यानी कि ये हाफ इलास्टिकेटेड है। वहीं इनर साइड में इसकी आप ब्रांडिंग देख सकते हो और इस जीन्स पे भी ना विजिबल थ्रेड्स के थ्रू यहाँ पे डिजाइनिंग क्रिएट की गई है। बैक साइड अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे कोई भी पॉकेट वगैरह नहीं है, बट फ्लैप देके वो इल्यूजन क्रिएट किया गया है। पॉकेट आपको फ्रंट में मिल रहा है जिसकी डेप्थ काफी डिसेंट सी ही है, उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे। हाई राइज वाली जीन्स एंड वाइड लेग के साथ आई है, जिस वजह से ये ट्रेंडी एंड कम्फर्टेबल लगेगी आपको। ये भी थोड़ा ना कार्गो जीन्स वाला फील देता है, क्योंकि इसके साइड में यहाँ पे पॉकेट दिए गए हैं आपको, जो कि दूर से देखने में पता भी नहीं लगता कि कोई पॉकेट वगैरह भी हो। वैसे काफी अच्छे से ये जीन्स में मर्ज हो गया है। वहीं मटेरियल वाइज इसमें यूज हुआ 100% कॉटन, जिस वजह से आपको थोड़ी सी भी स्ट्रेचनेस नहीं मिलेगी। वैसे इसकी जो वेस्ट है वो और भी कम्फर्टनेस प्रोवाइड करती है, क्योंकि इनकेस अगर आप बैठो या फिर उठो तो उसमें ये काफी इजिली स्ट्रेच हो जाता है ये इलास्टिक की वजह से। और हाँ, इनकेस अगर आप पेयर शेप बॉडी वाले हो तो ये आपके वेस्ट को अच्छे से हग भी कर लेता है। ओवरऑल फिट एंड लुक आप इसकी देख सकते हो, साइज मैंने इसमें भी 32 ही लिया है एंड फिट वगैरह मुझे इसकी बहुत ही पसंद है, जाना चाहो तो उसके लिए जा सकते हो। और गाइस हमारा लास्ट जींस आ रहा है अगेन फ्री हैंड ब्रांड की तरफ से, जो कि द इंडियन गैराज का सब ब्रांड है। वैसे आई होप आप लोगों को अभी तक हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, अगर पसंद आ रही हो ना तो लाइक बटन प्रेस करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आ जाते हैं इसके डिजाइनिंग एंड डिटेलिंग पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली जो जीन्स है वो रिलैक्स्ड फिट के साथ आई है एंड इसमें मैंने चूज किया है कलर नेवी ब्लू, जिसमें की व्हाइट वॉश आपको देखने को मिल जाएगा इसके मिडिल वाले पार्ट में। वहीं क्लोजर के लिए यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगी जिसके ऊपर ब्रांडिंग की गई है एंड नीचे साइड में यहाँ पे आपको जिप मिलती है अच्छी क्वालिटी वाली। वेस्ट में यहाँ पे भी बेल्ट लूप्स आपको मिल रहे हैं एंड इसके बैक साइड में एक बड़ी सी पैच अटैच है। ब्रांडिंग आपको इनर साइड में भी मिल जाएगा एंड इसी के साइड में मेरी साइजिंग आप देख सकते हो। वहीं बैक के ही बारे में अगर बात कर रहे हैं तो इसके पॉकेट भी आप देख सकते हो, काफी बड़े बड़े से हैं एंड इनकी भी डेप्थ मुझे अच्छी ही लगी। फ्रंट में आपको ऐसे साइड कट वाले पॉकेट मिल रहे हैं जिनकी डेप्थ डिसेंट सी है। राइट साइड में एक छोटू पॉकेट भी अटैच है यहाँ पे। ओवरऑल जीन्स में यही व्हाइट वॉश के थ्रू ही डिजाइनिंग क्रिएट की गई है, बट इसका जो लोअर वाला पार्ट है इसमें भी आप देख सकते हो थोड़ी सी ग्रेडियंट टाइप में यहाँ पे डिजाइनिंग क्रिएट की गई है ब्लू कलर में ही, इसी की वजह से थोड़ा सा वो विंटेज वाला फील देता है। बाकी मटेरियल में थोड़ी मुझे स्ट्रेचनेस महसूस हुई। वैसे इसका कॉम्पोजिशन हम देख लेते हैं तो इसमें यूज हुआ है कॉटन ब्लेंड, वैसे रिलैक्स फिट वाली है तो आपको कंफर्ट के मामले में सोचने की जरूरत नहीं है। डेली यूज के लिए आप इस जींस को ट्राई आउट कर सकते हो, साथ ही प्राइस वाइज भी ये आपको 700 के ही अराउंड में मिल रहा है। तो बजट में एक अच्छा जींस चाहते हो तो इसके लिए जरूर जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप गाइस आपको ये कलेक्शन अच्छे लगे होंगे। मिंत्रा पे सेल चल रही हो तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलना एंड ऐसी ही और भी अमेजिंग वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस।